नमस्कार दोस्तों, मैं गिरुआ। खेसारी लाल यादव जी के जन्मदिन होता है। जन्मदिन के दिन एक वादा करते हैं, मैं दिव्यांगों का साइकिल जरूर बांटूंगा, जो लंगर ठीक से चल नहीं पा रहे उनको साइकिल में जरूर दूंगा। जन्मदिन के दिन खेसारी लाल यादव नहीं रहते हैं। उसके बाद मैं भी वीडियो बनाया था कि जो खेसारी भैया बोल देते हैं वो करते नहीं है, लेकिन आज खेसारी भैया ने साबित कर दिया, खेसारी लाल यादव बेटा बनने में 7 जन्म के नहीं 100 जन्म बेटा ले लोगे फिर भी तुमसे खेसारी लाल यादव नहीं बन पाओगे। करीब 150 साइकिल उन्होंने दिव्यांगों के बांटे, जो 3 पहिया साइकिल होता है, ये फोटो आप सब देख सकते हैं। 150 साइकिल किसी माई के लाल भोजपुरी में अभी तक ले नहीं बांटा है। भोजपुरी के स्टारों के काम में विवाद करना एंड सबसे बड़ा है लकीरों के बात करना, और सबसे बड़ी मुद्दा यही हो जाता है कि मीडिया को बुलाओ, उसको चरबुद्दा खियाओ, मटन खियाओ और सीधे निकल जाओ, माइक में एगो डायलॉग बोल दो निकल जाओ। लेकिन वहाँ खेसारी लाल यादव नहीं है, खेसारी लाल यादव बोलते नहीं है, करने में विश्वास रखते हैं। और आज खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया कि मैं ही भोजपुरी इंडस्ट्री का ओरिजिनल में गरीबों का भगवान हूँ। जो दिव्यांग को साइकिल बांटा यार, वो तो रोते रोते निकले कि भैया मैं त्रस्त हो गया, मैं एकदम तृप्त हो गया यार भगवान से भेंट करके। भगवान के हाथ से अगर किसी को साइकिल मिल जाए एंड खेसारी लाल यादव प्रोडक्शन वहां पर काम आई, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। सोच कर देखो, किसी ने भी जितने भी जब से भोजपुरी का स्थापना हुआ है, एक नेता मानदारी 10 को बांटता है, लेकिन खेसारी लाल यादव 150 से ज्यादा साइकिल उन्होंने बांटा सिर्फ दिव्यांगों का। कोई भोजपुरी के स्टार किया है क्या, एक मोबाइल दे देता है उसके बाद भाषणबाजी होने लगता है, एक मोबाइल, और कोई एक लंगर का 1,000 रुपया दे देता है उसके बाद सेल्फी खिंचाता है और निकल जाता है, भैया ने सब कुछ कर दिया। लेकिन खेसारी भैया के देखो, गरीबों का मसीहा का देखो, उन्होंने 150 से ज्यादा साइकिल बांटे दिव्यांगों का अपने क्षेत्रों में, लेकिन अभी तक ले आकर उतना चालित नहीं, ना भाषा हुआ, ना इतना ये हुआ कि इनसे सीखो। लेकिन खेसारी भैया, निश्चित मैं कहूंगा कि खेसारी लाल यादव से सीखने की जरूरत है, और तमाम भोजपुरी स्टारों के इनसे सीखना चाहिए कि गरीबों का मसीहा ऐसे बना जाता है। मीडिया में आकर और डायलॉग बोलकर बोलने का लूर नहीं है तो नहीं बोला जाता है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने आज साबित कर दिया है। खैर, मैं वीडियो का अंत करूंगा और निश्चित मैं बताऊंगा कि खेसारी लाल यादव बनने में कम से कम 1 जन्म तो नहीं, 2 जन्म तो नहीं, 7 जन्म भी लग जाएगा फिर भी नहीं होगा, 100 जन्म बेटा ले लोगे तुमको, तुम्हारा बस की बात नहीं है। खेसारी लाल यादव दिल का राजा आदमी है, आज उन्होंने साबित कर दिया है। खैर, मैं चलता हूँ और वीडियो का अंत करता हूँ, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार।